भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा घोषित चुनावी घोषणा पत्र को पुनः केंद्र में भाजपा को सत्ता में काबिज करने के प्रति रामबाण सिद्ध होगा। इस चुनावी घोषणा पत्र में किसान, बेरोजगार सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई जनहित की योजनाओं से लाभान्वित हुई है, जिस कारण एक बार फिर से एनडीए केंद्र में सत्तासीन होगी। साथ ही उन्होंने हमीरपुर सांसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर को मजबूर उम्मीदवार जबकि भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को मजबूत उम्मीदवार बताया है। हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए, मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं और हमारे प्रत्याशी समय रहते तय हो गए थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी तय करने में इसलिए समय लगा कि अपनी हार को सामने देखते हुए उनके दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से टलते रहे और सबसे ज़्यादा हालात जो बदतर थे वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में थे, क्योंकि यहाँ से उनके जो दिग्गज दिल्ली जा रहे थे वो सिर्फ अपना टिकट कटवाने जा रहे थे और जो नहीं गए उनको टिकट मिल गया और जो प्रत्याशी बने उन्होंने प्रत्याशी बनने के बाद कहा मैंने ना आवेदन किया था ना टिकट मांगा था, अब हाई कमांड ने दे दिया तो लड़ रहा हूँ। उनकी बातों से लगता है कि वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि हमारे प्रत्याशी 3 बार सांसद रहे, गांव-गांव पंचायत पंचायत घूमकर सांसद निधि से विकास किया, अपने संसदीय क्षेत्र में जो है विकास के नए आयाम खड़े किए, सांसद मोबाइल सेवा योजना, खेल महाकुंभ जैसे कार्यक्रम शुरू किए और कुल मिलाकर एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभरे। इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव मजबूत प्रत्याशी बनाम मजबूर प्रत्याशी के हैं और अनुराग ठाकुर मजबूत प्रत्याशी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, 3 बार लगातार जीते हैं और आज आईपीएल का जमाना चल रहा है, इसलिए इस माहौल में वो 4थी बार जीतकर चौका लगाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर बात की जाए अचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से दिशु प्रभाकर की रिपोर्ट।